दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं इसमें, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं। अब हम इसकी थेरेपी की बात करते हैं। थेरेपी में आप देख सकते हैं, जैसे कि क्वांटम थेरेपी एनालाइजर में दो पॉइंट बने हुए हैं। नंबर एक पॉइंट है थेरेपी स्लीपर और दूसरा जो पॉइंट है वो थेरेपी पैड है, जैसा कि आप देख रहे होंगे फिगर में। अब इसको यूज़ कैसे करना है इन सभी इंस्ट्रूमेंट को, तो वन बाई वन करके हम लोग उसको देखते हैं, कैसे कहाँ पर कौन सी पिन लगेगी, कैसे इसको यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका जो इलेक्ट्रोड हैं, तीन इलेक्ट्रोड हैं, सबसे पहले हम लोग दोस्तों इसमें ये देखते हैं जो स्लीपर पैड है इसको कैसे वायर के थ्रू कनेक्ट करते हैं, वो आपको दिखाया गया है। ये देखिए आपका स्लीपर है, ये कनेक्ट किया जा रहा है इन फ्रंट ऑफ, जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरह इसको वायर को कनेक्ट करना है। दूसरा वायर दूसरे स्लीपर में इस तरह से कनेक्ट करना है, ये वायर कनेक्ट हो गया। अब इसको कहाँ पे लगाना है ये आप देख सकते हैं, किस इलेक्ट्रोड में, ये यहाँ पर ये लग गया। अब दूसरा जो है वो है ईयर इलेक्ट्रोड, जैसा कि आप डिस्प्ले पे शो हो रहा है देख लीजिए, ये दो ईयर इलेक्ट्रोड हैं, इसको कैसे कनेक्ट करना है वो इसमें दिया हुआ है डिटेल में। ये वायर है, इस वायर को कैसे कनेक्ट करना वो आपको दिखाया गया है, ईयर इलेक्ट्रोड। ये आपके कान के पास में लगेगा या कान में लगेगा, ये दूसरा ये इसमें लग गया है ना। फिर इसके बाद में ये देखिए अब इस किस तरह कान में लगाना है, इस तरह से ये एडजस्ट हो जाएगा। इसके बाद में ये पिन है, पिन को कान में लगा लेना है, दूसरा वाला दूसरे इलेक्ट्रोड में लगा लेंगे ईयर इलेक्ट्रोड। पिन आसानी से इसके अंदर चली जाती है, अभी नया है तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही है, लेकिन ईजिली पुश हो जाती है। फिर इसके बाद में इस ईयर इलेक्ट्रोड में ये ईयर इलेक्ट्रोड लगाएंगे कैसे, ये आपको दिखाया गया है। देखिए इसमें ये, और इसमें एक बैटरी है छोटी सी, ये पास से आप देख लीजिए, तो ये थेरेपी पैड के अंतर्गत आता है। जो तीसरा वाला है इलेक्ट्रोड है वो हैंड इलेक्ट्रोड है। अब हम आपको हैंड इलेक्ट्रोड के बारे में बताते हैं, जैसा कि फिगर के माध्यम से डिस्प्ले पे शो हो रहा है, ये हैंड इलेक्ट्रोड है, और इसमें कैसे पिनअप करना है वो भी लगा के मैं आपको दिखा रहा हूँ, कैसे इसको पकड़ना है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो वायर है इसको इसमें कनेक्ट करना है हैंड इलेक्ट्रोड में, उसके बाद में पकड़ना कैसे है वो भी मैं आपको इस वीडियो में पकड़ के दिखाता हूँ कैसे पकड़ना है। सबसे पहले वायर को कनेक्ट करना है, ये आपका वायर कनेक्ट हो गया, और पकड़ना इसको बहुत ही आसान है। ये इजीली इसमें चला जाएगा। अब इसको पकड़ना कैसे है आप देखिए, बहुत ही आसान है। अब इसको यूज कैसे करना है, इसके साथ में आपको एक पैड दिया हुआ है, इसको डिफरेंट डिफरेंट जगह पे लगाना है। जैसे कि ये पैड है, इसके अंदर आप वैसे ही वायर लगाएं जैसे कि उसमें लगाए हैं। इस पैड को पॉलीथीन निकाल के चेस्ट पे चिपकाना होता है, पैर के नीचे चिपकाना होता है, और इसमें डिफरेंट डिफरेंट जगह पे चिपका के फिर उसके बाद में इस थेरेपी को यूज़ किया जाता है। शोल्डर रीजन में लगाना है, वेस्ट में लगाना है, एब्डोमेन में लगाना है, हैंड में लगाना है, पैर में लगाना है, और शोल्डर में लगाना है। तो फिगर के माध्यम से दिखाया गया, आप उसको देख सकते हैं, और उसी हिसाब से पॉलीथीन को हटा के वहाँ पर चिपका दीजिए। फिर उसके बाद में जो आपके इस तरह मशीन में दो वायर दिख रहे हैं, इस
इसको कनेक्ट कर दीजिए, फिर कंटिन्यू कर दीजिए, फिर आपका इसे ट्रीटमेंट हो जाएगा। अगर आपको पेन हो रहा है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है, वो सब कुछ इससे ठीक हो जाता है। दोस्तों इस पैड को यूज़ करने के बाद में आपके डिफरेंट टाइप के पेन जो होते हैं, क्रोनिक हो या फिर एक्यूट पेन हो, वो सब सबसाइड हो जाते हैं। मेनली जॉइंट्स पेन फिर या किसी भी टाइप की इलनेस हो, धीरे धीरे करके आपकी सबसाइड हो जाती है। और ये बहुत ही नेचुरल तरीके से किया जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती है। और ये बट बहुत ही नेचुरल है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी डॉक्टर के यहाँ जाके आप उसे इस थेरेपी का यूज़ कर सकते हैं, उसका फ़ायदा ले सकते हैं। विदाउट मेडिसिन आपको ठीक किया जा सकता है इस पैड को यूज़ करके।